आईपीएल 2023 से पहले पंजाब किंग्स ने एक बड़ा डिसीजन लिया, पिछले सीजन के कैप्टन मयंक अग्रवाल को रिलीज किया और नया कैप्टन बनाया शिखर धवन को। पिछले सीजन पंजाब किंग्स से काफी उम्मीदें थी कि वो डेफिनेटली प्लेऑफ्स तक तो पहुंचेगी, पर 14 में से सिर्फ और सिर्फ 7 मैचेस वो जीत सके और पॉइंट्स टेबल में रहे 6th पोजीशन पर। अब चुपीत क्या सुपीत क्या, बात करते हैं आने वाले कल की आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन। पंजाब किंग्स के पास रिमेनिंग बजट है 32.2 करोड़ का, उनके पास एक बेहतरीन मौका है एक लाजवाब टीम बनाने का। तो बात करते हैं ऐसे 3 प्लेयर्स जिनके लिए पंजाब किंग्स उतरना चाहेगा बिडिंग वॉर में। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सैम करन, अनक्वेश्चनेबली ऑलमोस्ट सभी फ्रेंचाइजेस जाएंगी सैम करन के पीछे इस मिनी ऑक्शन में, क्योंकि ये वक्त है सैम करन का। टी20 वर्ल्ड कप में अच्छे से अच्छे बैटिंग ऑर्डर की इन्होंने बैकबोन को तोड़ा, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, ही हैज अ लॉट ऑफ एविएशन। पंजाब किंग्स ने अभी रिलीज करा ओरियन स्मिथ को और सैम करन उनकी ये जगह बहुत ही खूबसूरती के साथ भर सकते हैं। अब देखो बाकी टीमें तो सैम करन के पीछे जाएंगी जाएंगी, पर पंजाब किंग्स के पास रिमेनिंग बजट काफी हाई है तो वो सैम करन को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इनका आईपीएल का रिकॉर्ड देखें तो 32 मैचेस में इनके नाम है 32 विकेट्स, बैटिंग की बात करें तो इनके नाम है 337 रन्स। शिवम आवी, पंजाब किंग्स के पास हैं गन पीसर्स अर्शदीप सिंह, कगिस रबाडा, नेथन एलिस, बट स्टिल दे नीड एन इंडियन स्पीडस्टर टू एनहांस देयर अटैक। और शिवम आवी को आईपीएल में खेलने का काफी एक्सपीरियंस है, 32 मैचेस में इनके नाम है 30 विकेट्स, इकॉनमी रेट है ऑलमोस्ट 9 का। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिवम मावी पंजाब किंग्स के बेहतरीन पेस अटैक में एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकते हैं। टिम साइफर्ट, अगर ये पंजाब किंग्स में जाते हैं तो ये होंगे छोटा बजट बड़ा धमाका। न्यूजीलैंड के लिए टी20 में इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, विकेट कीपर बैटर हैं और जब बात आती है पावर हिटिंग की तब इनका कोई जवाब नहीं है। हालांकि आईपीएल में इन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, इनके नाम है 26 रन्स, स्ट्राइक रेट है 113.04 का। गाइस इसमें कोई डाउट नहीं है कि टिम साइफर्ट फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं पंजाब किंग्स के लिए। शिवम मावी, टिम साइफर्ट, सैम करन, ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें लगता है पंजाब किंग्स उतरेगा बिडिंग वॉर में। गाइस आपको क्या लगता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा फायदे का सौदा कौन साबित हो सकता है पंजाब किंग्स के लिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में किसी और प्लेयर का नाम होना चाहिए था वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी मैटर करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर तो हमें लाइक करना, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। और आपको अपडेट्स का एक और जरिया बताऊं, टेलीग्राम पर जाकर हमें ज्वाइन करो, फिर देखो वहां पर बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।